टीम एफर्ट बहुत अच्छा था हमारा, सब पूरे अच्छे खेल रहे थे प्लेयर हमारे। किशोर काटे की गेंदबाजी के खिलाफ क्या, किशोर काटे की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? हैट्रिक लिया उन्होंने और कहीं ना कहीं बड़े बड़े विकेट्स ले रहे हैं। आज अनिल जादव का विकेट लिया है, गणेश जी शिंदे का विकेट लिया है, किशोर काटे के बारे में दो शब्द। वो हुकुम का इक्का है हमारा बॉलिंग में। चलेगा, ऑल द बेस्ट। तो ये थे चिकलेवाड़ी टीम के कप्तान, दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। डिसीजन अभी बाकी है, देखना क्या डिसीजन लेते हैं। जल्द से जल्द डिसीजन लेना है, मैदान पे फाइनल उतरना है। और हमारे साथ कॉम बॉक्स में रहेंगे यहाँ पर कुमार जी बोर। काफी इंपॉर्टेंट मैच है, चिकलेवाड़ी वर्सेस मैच है यहाँ पर है भराड़ी माता दामनी, और दामनी टीम ने गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया है। दर्शक जितने आए बने रहिए, देखते रहिए, और आखिरकार आज की शाम किसके नाम होगा। दामनी टीम यहाँ पर पहला पुरस्कार की ट्रॉफी अपने गांव ले जाएगी या टीम, देखना यहाँ पर चिकलेवाड़ी टीम। बने रहिए, देखते रहिए मंगल मूर्ति चषक 2022 मराठवाड़ी आयोजित प्रतियोगिता। अनिल निर्णय कळवायचा, अनिल लगे जायचे मैदान मध्ये, पावर प्ले नसणारे सामन्याला लगे सुरुवात होईल, वेळ घ्यायचा नाहीये, आणि फलंदाज चिकलेवाडी संघ आपण दाखल करायचे आहेत। 24 संघ मैदानावरती दाखल झाले, 24 संघ दाखल झाले। एक ध्येय असतं, एक स्वप्न असतं मैदानात उतरताना, आणि ज्यावेळी आयोजनामध्ये अशी ट्रॉफी असते, किंग क्राउन पाहायला मिळतोय टॉप लेवलला, त्या किंग बनण्यासाठी हे सर्व संघ खेळतायत, आणि मोठ मोठ्या संघांना नमवून अंतिम क्षणी दाखल झालाय। स्वप्न मनी उमगता शब्द नवे फुटतात, आणि त्याच फुटलेल्या शब्दांना एक पांजर घातली जाते, ती कष्टाची आणि ती मेहनतीची, ती मेहनतीची पांगर घेऊन हे दोन्ही खेळाडू उतरलेत आणि हा संघ दाखल झालाय। आज मंगलमूर्ती चषक 2022 एक मानाची स्पर्धा, आणि बक्षिसांची खैरात, आणि मान्यवरांची सातत्यपूर्व सदिच्छा भेट, आणि हे सर्व जे प्राइजेस आहेत त्या प्राइजेस वरती एक सर्वोत्तम खेळ असतो, तो सर्वोत्तम खेळ ज्याचा होतो त्याच्यासाठी पारितोषिक असतं, आणि त्या पारितोषिकाचा मानकरी त्याचा गुणगौरव या ठिकाणी केला जातोय। आणि माझ्या समवेत व्हॉइस ऑफ नवी मुंबई, ज्यांच्या वाणीतून आज पाटण क्रिकेटला एक वेगळी समीकरणाची भूमिका प्राप्त झाली आहे, सचिन गिरी सर आमच्या समवेत जोडले गेलेत। वेलकम वेलकम कुमार, स्वागत है आपका भी, और काफी बढ़िया यहाँ पर आप देख सकते हैं नजारा, मैदान के चारों तरफ दर्शक आए हुए, और काफी यहाँ पर अच्छा मोमेंट, गर्व महसूस कर रहा हूँ। खासतौर पे पाटन क्रिकेट में पहली बार कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है, और मैं खासतौर पे गणेश जी शिंदे का धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो इन्होंने आज भरोसा जताया है और मौका दिया पहली बार। और बाहर कॉमेंट्री करने का मौका मिलता है, लेकिन पाटन में जो दर्शक रहते हैं, जो क्राउड रहता है, जो प्यार देखने को मिलता है, वो अलग ही आउटस्टैंडिंग, अलग लेवल पे है। फाइनल मैच कुमार, मजा आएगा, और हम कुमार के साथ जुड़े रहेंगे, और दो ओवर का फाइनल मैच है। नहीं, खऱ्या अर्थाने ज्यावेळी मी क्रिकेटर म्हणून खेळायचो, ज्यावेळी मी 12वा खेळाडू असायचो, त्यावेळी कोपरी गावात असताना एक आवाज माझ्या कानी घुमला होता, सचिन गिरी हे नाव होतं, हे नाव फक्त मी ऐकलं होतं आणि फक्त आवाज ऐकला होता, आणि त्याच क्रिकेटने आज मला तो क्षण दिलाय की जे माझे मार्गदर्शक मी नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट मध्ये समजतो। पॉवर प्ले नसणार आहे, आणि जो आवाज माझ्या कानावरती घुमायचा, माझं स्वप्न होतं की आज जे नवी मुंबईची व्हॉइस ऑफ म्हणून ओळख आहे त्यांच्यासोबत कधीतरी समालोचन करण्याची भूमिका मला प्राप्त व्हावी। कालच्या दिवसामध्ये सकाळी ज्यावेळी त्या व्यक्तीचा चेहरा पाहिला, त्यावेळी एक वेगळाच उमंग माझ्या चेहऱ्यावरती होता, आणि सामन्याला सुरुवात आहे, आणि प्लीज विनंती आहे व्यासपीठावरती आवाज करायचा नाहीये, प्लीज विनंती असेल। अजय यादव साहेबांकडून 3 चौकांसाठी 1001 चा पुरस्कार आणि 3 षटकांसाठी 1001 चा पुरस्कार असेल अजय यादव साहेबांकडून। सामन्याला सुरुवात झाली, पहिला चेंडू शुभम याचा, किरण लाव किरणला थांबवले, शुभमची एक गोलंदाजी आहे सर, लेफ्ट आर्म बॉलर आहे, इकॉनॉमिकल बॉलर आहे, आणि ज्या ज्यावेळी संघाला मोठ्या खेळाडूची विकेट हवी आहे त्यावेळी धामणी संघाचा हुकमी एक्का म्हणून हा समोर आलाय। बिलकुल, लेफ्ट आर्म बॉलर जो होते निश्चित तौर पर एक नेचुरल स्विंग मिलती है, और वो देखने को मिल रहा है इनकी गेंदबाजी में, थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, हवा में बॉल, और एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास था,
टफ चांस था कुमार, लेकिन कोशिश भरपूर की है फील्डर ने, दाद देनी होगी। दो रन भी मिला है यहाँ पर, पहली गेंद पर थोड़ा सा उतल पुतल देखने को मिलता हुआ मैदान पर। नाही, क्रिकेट मध्ये चान्स घेणं गरजेचं आहे। जिथे जिथे संधी आहे त्या संधीवरती तुम्ही हात मारा, ज्यावेळी तुम्ही संधीवरती तो हात मारता आणि त्यानंतर तुम्ही विजयाच्या दिशेने, विजय जरी झाला नाही तरी एक शिकण्याच्या भूमिकेवरती, लर्निंग मुवमेंट वरती तुम्ही जाताना पाहायला मिळतात। यस, बिलकुल जमकर खेले है तो यहां तक पहुंचे हैं हम, मंजिल से पहले ना थकेंगे हम। अरे ट्रॉफी उठाने का जुनून है सवार, अब कुछ भी हो जाए, मानेंगे ना हार। पहली विकेट, दबाव जो बनाया था कुमार यहाँ पर बॉलर ने, उसका फल मिलता हुआ। अंध भला तो सब भला, तू कार्य करता चला जा, भाग्य तेरा अपने आप बदलता चला जाएगा। और भाग्य बदल दिया गेंदबाज शुभम ने, क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच, हाताच्या रेषांपेक्षा तुझ्या पसीन जी कष्टाची मेहनत आहे, जो घाम आहे तुझा, त्या घामाने तू पुढे सरसावत जा। पुढे सरसावताना तू तुझं कार्य कर, कार्य करताना त्यामध्ये तुझी भूमिका मांड, भूमिका मांडली की कला येईल आणि कला आला की तुझा विजय होईल आणि विजय झाला की तुझा सर्वत्र सत्कार देखील होईल। असाच काहीसा खेळ सातत्यपूर्व शुभमचा आहे। पाहिलंय त्याने लेंथ एकच ठेवली होती आणि लेंथ ठेवताना त्याने थोडासा एक स्ट्रॅटेजी आणि महत्वपूर्ण खेळाडू या सर आजच्या दिवसामध्ये ज्या खेळाडूने मैदान अक्षरशः गाजवलंय त्या किरणला त्याने एका स्वस्तात बाद केलंय। चिकलेवाडी टीम को भी पता है कुमार की अब तक जो टीमें थी अलग लेवल की क्रिकेट थी, ये टीम अलग है क्योंकि दामनी टीम ने पहले दिन धमाकेदार प्रदर्शन किया था। इस बार हुक किया यहाँ पर, गजब का ये शॉट और पावरफुल स्ट्रोक, फाइनल का पहला मैक्सिमम आता हुआ बैट्समैन अमित के बैट से, क्या कहना चाहेंगे कुमार? क्रिकेट हा का एक सांगी खेळ आहे। स्टार्टिंग होती इनिशियली किरणची बॅट होती, किरण खेळत होता, अंतिम सामन्यापर्यंत त्याची जी पूर्ण स्टॅमिना, जी एनर्जी लेवल आहे ती थोडी ड्रॉप लेवलला आली आणि त्यानंतर एक नवीन सितारा नवीन आलाय तो म्हणजे अमित आहे। ऑन साइड में खेला इस बार, लेकिन गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड ऑन से गुजरते हुई गेंद गई लॉन्ग ऑन पे, क्योंकि मिड ऑन पे कोई फील्डर था नहीं, सिर्फ एक रन। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 9 रन। प्रशांत शिंदे फौजी हमारे, जिनको प्यार से कहा जाता है, वो यहाँ पर स्कोरिंग में जुड़े हुए। देखिए ये भी एक भाग्य है, शुरुआत हुई थी टूर्नामेंट की, स्कोरर में थे, फाइनल मैच भी चल रहा है, प्रशांत स्कोरर है हमारे साथ, यानी बेस्ट यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ। नाही, खऱ्या अर्थाने एक वेगळं व्यक्तिमत्व आहे, मनमिळावं व्यक्तिमत्व आहे, मराठीवाडी गावचं भूषण देखील म्हणलं जातं। इंडियन आर्मी मध्ये कार्यरत, देश सेवेसाठी सदैव तत्पर पाहायला मिळतात। तर चांगला चेंडू होता डॉट बॉलची सांगता सर, एका बाजूला विचार केला तर शुभम सारखा गोलंदाज आहे। आता मॅच कमी ओव्हरची आहे आणि चिकलेवाडी 2 ओव्हरची मॅच आहे आणि चिकलेवाडी संघासाठी का जमेची बाजू, एका बाजूला किशोर काटे जो वन हँडेड बॉलिंग लाईनअप टिकवतोय, त्याला साथ अमितची देखील लाभते किंवा किरणची लाभते। या संघामध्ये शुभम वरती विश्वास होता पण षटकाराने अंतर निर्माण केलंय कारण धावसंख्या तुम्ही पाहताय 9व्या आकड्यावरती आहे। बिलकुल, जब टॉस बॉक्स में मैंने बात किया प्रशांत से की किशोर काटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उस जनाब ने 21 शब्द का हुकुम का इक्का, और जब आपके पास हुकुम का इक्का हो तो आप बादशाह का भी डरता नहीं, हुकुम का इक्का अगर उसके पास रहता है। और बादशाहत पूरे मैदान पे इस खिलाड़ी ने आज करके दिखाया, हैट्रिक ली, बैटिंग का मौका मिला, बैटिंग किया, फील्डिंग किया, कैचेस पकड़े, ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा है। और निश्चित तौर पर साइकिल की नजर देखना है किस पर होगी, कौन सा खिलाड़ी आज साइकिल पर बैठेगा, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल रखा गया है मंगल मूर्ति चषक 2022, क्योंकि ये टूर्नामेंट मानाची क्रिकेट स्पर्धा है जनाब। हाफ ट्रॅकर होता, शॉर्ट आर्म हुक केलाय एकेरी धावसंख्येसाठी। गोलंदाजी मार्ग वरती सर, जो गोलंदाज आहे ना त्याच्याकडे खूप अनुभव आहे आणि संकट काळी जो गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जातो तो, कारण की अनुभवापेक्षा त्याने मेडन ओव्हर खूप टाकल्यात। धावा तुम्ही पाहताय 10 या आकड्यावरती आहे तो स्कोर कार्ड 10। स्लॉग स्वीप, बॅट के बीचो बीच आया है आला रे आला बैट्समैन अमित आला, सिक्सर आता हुआ यहां पर उनके बैट से, क्या बैटिंग कर रहे फाइनल में, गजब की बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ है, क्या बैटिंग करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 16। थैंक यू, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16। फुल टॉस होता, त्याला एलिव्हेशन प्राप्त केले, आणखीन एक लांब लचक, 2 सलगचे षटकार अमितच्या बॅट मधून आहे। चलिए स्ट्रोक ने बता दिया है नाम अमित है, खिलाड़ी का
इस टीम की शान है, इस टीम की आन और बान शान है, और पूरी टीम कहती हुई हमें इस खिलाड़ी पर अभिमान है। गजब की बैटिंग की यहाँ पर बैट्समैन अमित ने, हर मैचेस में जब जरूरत था रन बनाया अपनी टीम के लिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। चेंडू हवे ते झेल महत्वपूर्ण है, झेल घेतला गेलाय पण त्याने त्याचं कार्य पूर्ण केलंय, आणि खऱ्या अर्थाने एका व्यक्तीचं नाव घेणं गरजेचं, त्याने त्याने देखील स्कोररची भूमिका पार पाडली। निलेश शिंदे याचे देखील खूप खूप आभार असतील। टोटल स्कोर की तरफ रुख करेंगे, स्कोर हुआ है टोटल 22 रन, दो ओवर के मैच में स्कोर कार्ड है 22। गजब की बैटिंग की है अमित ने, सेट ऑन फायर बॉलिंग करते हुए अजय। दो गेंदे बाकी है, स्टंपिंग करने की कोशिश थी, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिलता हुआ अनुभव, वहां पर कप्तान ने एक्सपीरियंस खिलाड़ी को वहां पर तैनात किया गया उनके माध्यम से, और अच्छी फील्डिंग देखने को मिलता हुआ। आखिरी बॉल इस पारी की टारगेट सेट करने वाली गेंद होगी, है कितना टारगेट सेट होगा, स्कोर हुआ है 22। टॉप एज गेंद हवा में, विकेट मिलेगा तो डॉट बॉल होगा, और विकेट मिला है, अजय की लाजवाब गेंदबाजी, और 23 का टारगेट इस मेगा फाइनल में। आज की शाम किसके नाम होगी, भराड़ी माता दामनी को जीतने के लिए 23 बनाने हैं। कुमार क्या लगता है यहाँ पर, एक अच्छा स्कोर है मैं कहूंगा यहाँ पर। संध्याकाळच्या प्रहर मध्ये देखील तो बॉल ट्रॅव्हल करण्याची क्षमता आहे, प्रकाश या संघाकडे देखील ती क्षमता आहे। विनंती आहे चिकलेवाडी संघ क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आणि फलंदाज पाठवायचे, कारण की सायंकाळचा प्रहर आहे, चेंडू ट्रॅव्हल होत नाहीये। आणि नक्कीच सर एक अंतिम सामना, आणि जसा अंतिम सामना पाहिजे, कारण चिकलेवाडी संघाचा विचार केला तर एक सर एक फ्री फ्लो असतो क्रिकेटमध्ये, सातत्याने खेळतात तुम्ही, खेळत खेळत आला की तुम्हाला एक लिंक लागते आणि एक अंदाज बसतो आणि तुम्हाला लाईनअप कळते, आणि कालच्या दिवसामध्ये भराडी माता धामणी संघ खेळला, एक बेनिफिट असेल चिकलेवाडी संघाला। यस, कंटिन्यू आज के मैचेस खेले और चिकलेवाडी टीम का परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार रहेगा, मैं अगर कंपेयर करूं आप शायद एग्री होंगे कि नहीं होंगे, खासतौर पर इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिस प्रकार क्रिकेट खेला, अटैकिंग क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट, हर मैच में नया हीरो मिला है, हर मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा है, बॉलिंग उनकी शानदार रही है, उनके पास तुरुप का इक्का है, किशोर काटे, उनके पास एक ऑफ स्पिनर भी है जो आखिरी ओवर डाल रहे थे, ऑप्शंस काफी है, सतीश नाम के बॉलर है वहां पर ऑफ स्पिनर, तो किशोर काटे और कैप्टन प्रशांत को पता है इंपॉर्टेंट मैच है, 12 गेंदे 23 रन। और पाटन तालुका क्रिकेट की सबसे खास बात, एक कहते हैं कि सबसे खूबसूरत चीज मैदान में नजर आता है, जो एकत्र होकर सभी खिलाड़ी मैदान पर रुख करते हैं, जो डिसिप्लिन पाटन क्रिकेट ने दिखाया, जो कई सभी क्रिकेट टूर्नामेंट्स को पाटन क्रिकेट ने करके दिखाया, डिसिप्लिन, अनुशासन और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठान जो क्रिकेट में लाया है पाटन तालुका क्रिकेट एसोसिएशन ने। तसेच विजय शिंदे विक्स यांचे देखील आभार असतील की त्यांनी देखील आज चांगली भूमिका या स्पर्धेसाठी पार पाडली आहे। 12 चेंडू 23 धावांची गरज आहे, गोलंदाज मार्गस्थ व्हायचं आहे, 5 क्षेत्ररक्षक आउटसाइड ऑफ फील्डिंग करताना पाहायला मिळणार आहेत, तो 12 गेंदे 23 की आवश्यकता, फाइनल मेगा फाइनल आज की शाम किसके नाम, कहते ना दोस्तों वो अमिताभ बच्चन का एक वाक्य जरूर याद आता है, कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुमार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नक्कीच ज्या पद्धतीने शर्यत अजून संपली नाही आणि मी अजून जिंकलो नाही हा ॲटिट्यूड असणार आहे या दोन्ही फलंदाजांचा। किशोर काटे देखील अव्वल दर्जाचा गोलंदाज आहे, आणि ज्यावेळी सर बेस्ट समोर असतो ना त्यावेळी माणसाचा बेस्टच बाहेर येतो, कारण म्हणतात ना अपोनंट जेवढा जोरात आहे तेवढाच आपला खेळ मोकात आहे, आणि त्याच स्कोर येताना पाहायला मिळेल। 12 चेंडू 23 धावांची गरज, गोलंदाज किशोर निघतो स्ट्राईक इनवर, प्रकाश गुरव एक पाटण तालुक्याचा आणखीन एक सितारा स्ट्राइक इनवर सज्ज आहे, लेट्स प्ले। सर काय गोलंदाजी होते तुम्ही पहा, चेंडू ज्यावेळी रबर बॉल क्रिकेट मध्ये जो रबर बॉल क्रिकेट समरी डिलिव्हरी असताना स्किट होतो ना, फलंदाजाच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्याच्यापेक्षा देखील गतिशील गोलंदाजी होती है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, हैट्रिक लिया आज किशोर काटे ने, ऑफसाइड में गेंदबाजी कर रहे, ऑफसाइड में फील्डर भी तैनात किया गया है, इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को यहां पर घसीट के मारने की कोशिश थी, ऑनसाइड की तरफ फील्डिंग देखिए, चुस्ती देखिए यहां पर, एफर्ट देखिए, लाजवाब यहां पर किशोर काटे, इनके अगेंस्ट अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर निश्चित तौर पर काफी सोच विचार करके आपको शॉर्ट सिलेक्शन का चयन करना होगा। कुमार
खऱ्या अर्थाने या सामन्यामध्ये माझं लक्ष असेल ते निवासच्या खेळीवरती. क्षमता आणि ॲबिलिटी आणि कॅपेबिलिटी या तीन शब्दांमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर कॅपेबिलिटी याकडे खूप आहे. कॅपॅसिटी प्लस ॲबिलिटी, कारण त्याने तो गेम खेळला आहे, ती टेक्निक आहे आणि हा खेळाडू कुठल्याही रिझनमध्ये फटके खेळू शकतो. अगर पहले ओवर में कम से कम 10-15 रन आ जाते तो मैच में मजा आएगा, क्योंकि 12 गेंदे 23 का समीकरण था. किशोर काटे तुरुप केके है, लेकिन क्या तुरुप केके के खिलाफ शांत क्रिकेट खेलेंगे या अटैकिंग? शॉट तो अच्छा था, थोड़े से सफल हुए थे, क्रॉस द बैट खिला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन एक ही रन है. एक रन से तालियों की गड़गड़ाहट आएगी यहाँ पर चिकलेवाड़ी की खेमे से, समर्थकों की तरफ से चौके छक्के लगेंगे तो यहाँ पर तालियां बजेगी धामनी क्रिकेट समर्थकों की तरफ से. दोनों तरफ से सपोर्ट बराबरी का है, दोनों टीमें एक से बढ़कर एक है. किस में कितना है दम, दोनों टीमें नहीं है किसी से कम. आज की शाम किसके नाम, ट्रॉफी तो मिलेगी लेकिन बड़ी ट्रॉफी कौन उठाएगी, उसके लिए यहाँ पर निगाहें सभी की बीच मैदान पर. यावेळी हा ट्रॅकर होता, चेंडू हवे ते क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं गेलंय आणि कव्हर देखील केला गेलाय. जे तुम्ही पाहिलं ट्रॉफ्या एवढ्या मनभेदक आहेत की त्याच्यावरती किंग आहे आणि त्या किंग क्राऊन कोण बनेल याकडे लक्ष आहे. आणि संघ जर पाहिलं तर त्या ट्रॉफ्यांसाठी खेळतो, कारण जर तुम्ही टॉस्का बॉस या व्यासपीठावरती ऐकलं असेल तर त्या ट्रॉफीसाठी आम्ही खेळतोय. तो किंग क्राऊन आम्हाला पाहिजे आणि तो क्राऊन कुठला संघ मिळवणार आहे, चिकलेवाडी संघ की दामनी संघ? चार रन खर्च किए अब तक गेंदबाज किशोर काटे ने. हेलीकॉप्टर, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, काम तमाम, दी एंड. पारी होती हुई यहाँ पर किशोर काटे, जब जब गेंदबाजी की है तब तक सफलता मिला इस खिलाड़ी को. एक और सफलता मेगा फाइनल में, इस टूर्नामेंट में एक और विकेट उनके नाम. अप्रतिम काय गोलंदाजी करतोय. ज्या ज्या वेळी संघ कठीण काळ असतो ना, कठीण काळ, त्यावेळी ह्या खेळाडूने ना जे जे महत्वाचे खेळाडू बाद करणं गरजेचं आहे ते महत्वाचे खेळाडू बाद केलेत. नवीन फलंदाज विकास नेर्लेकर करावे, 48 करावे या संघासाठी ओपनिंग प्लेअर. आपल्याला काही वेळी हा खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतो नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये, तोच हा खेळाडू मैदानावरती दाखल होताना पाहायला मिळतोय. यस, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती. उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती. अगर जीतने की जिद हो जनाब तो परिस्थितियां हारा नहीं सकती. अनुभव है, जिस प्रकार कहा कि 48 करावे में क्रिकेट खेल चुके कुमार जी बोर ने कहा, उसी का आज यहाँ पर दृश्य दिखाना पड़ेगा, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है. व्हाइट दी गई है प्रवीण जी पवार सर की तरफ से, डाउन द लेग गेंद थी. अब देखना है कि व्हाइट प्लस वन है सिर्फ व्हाइट है, फाइनल डिसीजन आना बाकी है प्रवीण जी पवार सर का. यस, प्लस वन भी है, प्लस वन भी है, यानी दो इंपॉर्टेंट मूल्यवान रन यहां पर बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का अब जा पहुंचा है 6 पर. दो ओवर का ये मैच, 23 का टारगेट है, 23 टारगेट, स्कोर हुआ है 6 ओवर द विकेट. अगली बॉल यावी गैप मध्य खेल अलॉन्ग द कार्पेट, क्षेत्ररक्षक किरण आला, एक धाव पूर्ण, दुसरा धावेचा प्रयत्न आणि दोन धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या गेल्या आहेत. संघाची धाव संख्या जाऊन पोचती 8 या आकड्यावरती. लक्ष समोर ठेवले गेले ते तब्बल 23 धाव संख्येचं, 7 चेंडू 15 धाव संख्येची गरज आहे सर. बिल्कुल ऐसा लगा किशोर काटे के ओवर में क्या 10 से 15 रन आएंगे, जी नहीं, एक बार फिर इकोनॉमिकल गेंदबाजी, शानदार प्रदर्शन. आज के दौर के महंगाई में भी इकोनॉमिकल गेंदबाजी करके दिखा दिया किशोर काटे ने. दो ओवर का ही मैच है लेकिन दो ओवर के मैच में भी गजब की गेंदबाजी की है. अब जीतने के लिए 6 गेंदों में चाहिए 15. कल टूर्नामेंट शुरू हुआ और पहले मैच में भी, जब पहले इनिंग के बाद सेकंड इनिंग में रन चेस किया जा रहा था, 6 गेंदे वहां पर 14 रन चाहिए थे, नहीं बने. लेकिन समय कुछ और था, आज समय कुछ और है, वह दिन कुछ और था, आज दिन अलग है, टीम अलग है, दौर अलग है. लेकिन देखना है यहाँ पर विजेता कौन सी टीम बनेगी आज की शाम किसके नाम. 6 गेंदे 15 रन, मैच बराबरी स्थिति पर है, कहना मुश्किल है कौन सी टीम का पलड़ा भारी है. कुमार एवढंच म्हणेल, विचार नका करू, विचार काय करतोय तू करून दाखव. संघर्षाच्या जोरावरती, आत्मविश्वासाच्या बळावरती तू स्वप्नपूर्तीचं स्वप्न साकार करून दाखव. संघाने ठेवलाय विश्वास तुझ्यावरती, हा सामना तू संघाला जिंकून दाखव. ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद दी, गुरुनाथ सर का इशारा ना बाकी है, फाइनल डिसीजन वाइड दी गई है. 6 गेंदे 14 रन, मैच इज ऑन. 6 गेंदे 14 रन, सूरज ढल चुका है यहाँ पर कुमार, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण बरकरार है दोनों टीमों के खेमे में कि हम ये मैच जीत सकते हैं, हम कर सकते हैं. शॉट अच्छा ऑन साइड में, फटका चांगला है पण जो उसळी पाहायला मिळते, राइजिंग गेले, त्यानंतर चांगली फेक होती, बॅकअप चुकीचं पाहायला मिळतंय पण नंतर लगेच कव्हर केला गेलाय. 2 धावा आल्यात सर, 5 चेंडू 13 धाव संख्येची गरज. टेम्परामेंट
बारह धाव संख्य करते शमस वासले एक वाइड होता पांच चेंडू बारह सर जर तुम्हें पहले टेम्परामेंटली एक दोन दोन धावा जरी आया कैलक्युलेशन क्रिकेट खेल एक मोटा फटका या तीन चेंडू वरती गरजे बिल्कुल बैटिंग टीम को पता है यहाँ से अगर बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे तो सिंगल डबल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। छह गेंदे पंद्रह का समीकरण था अब पांच गेंदों में चाहिए बारह रन दो सिक्सर लगाने पांच गेंदों में लेकिन अगर इन बिटवीन अगर एक दो रन भी आता हो दौड़ना जरूरी है। डाउन द लेग बॉल एक्स्ट्रा भी आएगा रोमांच इस मैच में बना हुआ है मैच अभी भी बना हुआ है इतना आसान नहीं है मंगल मूर्ति चषक 2022 का पहला पुरस्कार उठाना मेहनत करनी पड़ेगी गिरेंगे लड़ेंगे उठेंगे लेकिन यहाँ पर हार नहीं मानना है मान लो तो हार ठान लो तो जीत ठानना है कर दिखाना है आज ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। पांच गेंदे बारह कुमार चार ग्यारह पांच ग्यारह पांच ग्यारह चांगल्या टप्प्यावरची गोलंदाजी पूर्णपणे खोलवर जर पाहिलं की प्रकाशला माहिती आहे की माझा स्ट्रॉंग झोन काय आणि मला एलिव्हेशन हवंय आणि तो एलिव्हेशन साठी पदालित करतोय समोर देखील अमित आहे आणि ज्यावेळी बॅटिंग चांगले होते आज दिवस आहे दिवस नाही तर ते कष्ट आहेत आणि त्या कष्टाने घडवलेला हा खेळाडू आहे आणि तो कष्ट मैदानावरती दाखवतोय। चार दस का समीकरण आहे चार गेंदे दस की आवश्यकता कंपल्सरी चेस ओव्हर द विकेट अगली बॉल हवा में गेंद है यहाँ पर फील्डर आगे गेंद के नीचे वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खेला हुआ स्ट्रोक था बैकअप है वहां पर किशोर काटे कैच के लिए गए थे लेकिन पीछे से खिलाड़ी दौड़कर आए दो रन दौड़कर पूरा किया गया है तीन गेंदे आठ रन व्हाट अ फाइनल व्हाट अ मैच तीन गेंदे आठ रन मैच पूरी तरह अभी भी बना हुआ है एक बड़ा स्ट्रोक ढूंढ रही है यहाँ पर बैटिंग टीम एक चौका लग जाए तो क्या बात हो जाएगा एक अच्छी गेंद डाल ली अमित को डॉट बॉल अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा तीन आठ का समीकरण कुमार सायंकाळचं सत्र आहे बॉल ट्रॅव्हल होत नाहीये यावेळी प्रयत्न केला गेलाय धावची संधी असेल फलंदाज सेफ असेल दोन चेंडू आठ सायंकाळचं सत्र आहे बॉल ट्रॅव्हल होयला खूप अवघड आहे पण ह्याच क्षणी ना तुम्हाला संधी आहे आणि त्या संधीचं सुवर्ण संधीत रूपांतर करायचं आहे एक बॉल कनेक्ट करना है मैदान के बाहर गेंद को भेजना है फिर नतीजा मैच का रंग और रूप बदल जाएगा दो गेंदे आठ रन अब समय है नहीं अब सीधा यहाँ पर आर्या पाल की लड़ाई आ चुकी है दो गेंदे आठ रन दो चौके लगाइए सामने वाली टीम को चौंकाइए या सिक्सर लगाकर मैच यहाँ पर थोड़ा सा अपना प्रेशर कम कीजिए बैट्समैन के ऊपर पूरी निगाहें जो स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन है स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन आप देख सकते हैं प्रकाश दो गेंदे आठ रन कंपल्सरी चेस ओवर द विकेट अमित गेंद ऊंची गई है किशोर काटे प्लेयर ऑफ द डे क्या आज दिन गुजरा है इस खिलाड़ी का मिट्टी को भी छू दे तो सोना बन जाता वो कहावत आज जो कुछ कर रहे हैं वो इनके हित में जा रहा है उनकी टीम के हित में जा रहा है यहाँ पर अब दो गेंदे आठ की आवश्यकता थी अब आखिरी बॉल पे आठ एक चेंडू आठ की गरज है काय खेळे हा जर चिकलेवाडी संघाचा संपूर्णता विचार केला ना तर प्रत्येक खेळाडूमध्ये एक वेगळा जोश आहे तो जल्लोष आहे त्या जल्लोषानंतर तो खेळ दाखवलाय आणि नवीन नवीन ज्या पद्धतीने सर सांगितलं की एक नवीन हिरो समोर येतोय जर पाहिलं क्षेत्ररक्षकांमध्ये देखील जर तुम्ही पाहिलं ओव्हरऑल प्रोसिजर तुम्ही पाहिली ना ओव्हरऑल प्रोसिजर तर प्रत्येकाने आपलं योगदान दिलं असं नाही की एक खेळाडू आहे की चल किरणच आहे की त्याने खेळ चांगला केलाय किशोरच आहे त्याने क्षेत्ररक्षणामध्ये अजून पण तो रमेश माटेकर याचा झेल गणेश शिंदेचा झेल काय झेल घेतला होता त्या खेळाडूने अप्रतिम आखिरी गेंद लास्ट बॉल एक्स्ट्रा आएगा तो मैच फाइनल एक और मौका मिलेगा फिर बैटिंग टीम को एक अच्छी लीगल डिलीवरी आज की शाम चिकलेवाड़ी टीम के नाम यस इस टीम ने कर दिखाया है 23 टीमों को पराजय करके फाइनल का खिताब जीता है और श्रीराम 11 चिकलेवाड़ी टीम चैंपियन होती हुई यहां पर मंगल मूर्ति क्रिकेट क्लब मराठवाड़ी मंगल मूर्ति चषक आज की शाम चैंपियन चिकलेवाड़ी टीम शक्य राहायचं समोर आपल्या कालवा करायचा नाही